महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है और पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद का मुकाबला वोटों के धर्म युद्ध से करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने महायुति सरकार के खिलाफ वोट जिहाद के लिए एक इस्लामी विद्वान की कथित अपील का जिक्र किया और दावा किया कि ऐसे प्रयासों के पीछे का उद्देश्य न केवल महाराष्ट्र सरकार बल्कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को भी अस्थिर करना था। खड़कवासला में एक रैली के दौरान बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने सज्जाद नुमानी का एक वीडियो दिखाया और इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुनावों के दौरान मतदाताओं को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि उनकी सरकार ने लड़की बहन योजना जैसी योजना बनाई है जो सभी धर्मों की महिलाओं के लिए है, न कि सिर्फ एक खास धर्म के लिए। फडणवीस ने कहा कि चुनाव आएंगे और जाएंगे, लेकिन कांग्रेस और शरद पवार और यूबीटी उद्धव ठाकरे ने तुष्टीकरण शुरू कर दिया है। हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। जब हमने लड़की बहन योजना शुरू की तो हमने नहीं कहा कि हम अपनी हिंदू बहनों को लाभ देंगे। हमने धर्म की परवाह किए बिना सभी बहनों को योजना प्रदान की, लेकिन कुछ लोग मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि उलेमा काउंसिल ने विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए को की 17 मांगों का एक चार्टर जो उन्हें दिया था, उनमें से कुछ मांगे बहुत ही खतरनाक हैं क्योंकि ये मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण की मांग कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन खतरनाक मांगों में से एक 2012 से 2024 तक दंगों में शामिल मुस्लिम युवाओं के खिलाफ मामले वापस लेना भी है। एमवीए ने लिखित में दिया है कि वो 10% आरक्षण देंगे, अगर वो सत्ता में आए तो वो सारे मामले भी वापस ले लेंगे। फडणवीस ने यह भी दावा किया कि वोट जिहाद का नारा लगाया गया है, अगर वोट जिहाद होने वाला है तो हमें वोटों का धर्म युद्ध भी लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि आज हम एकजुट रहेंगे तभी सुरक्षित रह सकते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर भी निजी हमले करने के आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की टोली पूरी ट्रोल आर्मी अपनी उनकी पत्नी अमृता फडणवीस के इंस्टाग्राम रील्स पर भद्दी टिप्पणियाँ करती है क्या। दूसरी तरफ ये मामला आपको बता दें, दरअसल तब गर्माया था जब नागपुर में एक रैली में कन्हैया कुमार ने फडणवीस के धर्म युद्ध वाले बयान पर तंज कसा था। कन्हैया ने कहा था कि धर्म बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, खासकर तब जब डिप्टी सीएम की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील्स बना रही हों। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस को इस पर शर्म आनी चाहिए और जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं उससे हमें कोई हैरानी नहीं है। मेरी पत्नी और मैंने पिछले 5 सालों में बहुत कुछ सहा है, उन्हें मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, इसलिए अब एक एजेंसी को मेरे खिलाफ लगा दिया है और मेरे बालों से लेकर खून तक की जांच की, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ भी उन्हें नहीं मिला। पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस मेरे खिलाफ की गई किसी भी जांच में कुछ नहीं कर सकी तो उन्होंने मेरे खिलाफ अब व्यक्तिगत हमले शुरू कर दिए हैं और उनकी ट्रोल आर्मी ने मेरी पत्नी के इंस्टाग्राम रील्स पर गालियां तक देना शुरू कर दिया। कन्हैया ने इस पर आगे कहा कि क्या ऐसा होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी और आपके बच्चे ऑक्सफर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। अगर हमें धर्म बचाना है तो सब मिलकर बचाएं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम धर्म बचाएं और आपकी पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाएं, ऐसा नहीं हो सकता, धर्म सब मिलकर बचाएंगे। बीजेपी ने कन्हैया कुमार के बयान की जमकर निंदा की है। बीजेपी प्रवक्ताओं ने लगातार कन्हैया को नक्सली अफजल गुरु का समर्थक बताया और अमृता फडणवीस पर हमला करके मराठी महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जमकर चल रहा है और देवेंद्र फडणवीस ने वो जिहाद से लेकर उनके ऊपर हो रहे व्यक्तिगत टिप्पणियों का जिक्र करके एमवीए को निशाने पर लिया है। आने वाले चुनाव में इसका कितना फ़ायदा उनको मिलता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा।